हेलो फ्रेंड्स, सो आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप ऐसे ही वीडियोस बना सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस। ये देखिए, ये चैनल है जो एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं। ये देखिए, और हम सबसे पॉपुलर्स पर जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इनकी ये सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं और इनमें उन्हें तकरीबन मैं आपको बताती हूँ इन्होंने कितने पैसे कमा लिए हैं। हम सोशल मीडिया पर चलते हैं, यहाँ पर चैनल लिंक पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर $26,000 इन्होंने पर मंथ कमाए और 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके तकरीबन। और ये वो पैसे जो इन पर डे ये कमाते हैं, और ये वीडियोस व्यूज हैं पर मंथ जो इन्होंने गेन किए हैं, और ये सब्सक्राइबर्स हैं जो इन्होंने पर मंथ गेन किए हैं। उसके बाद मैं आपको और दिखाती हूँ। हम उसके बाद चलते हैं गूगल बार पर अपने चैनल के लिए नेम और डिस्क्रिप्शन सर्च करने के लिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल बार पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं राइट गिव मी एनिमेशन स्टोरीज चैनल आइडियाज नेम आइडियाज। तो एनिमेशन को हटा देते हैं, गिव मी किड्स स्टोरी चैनल नेम आइडियाज, ये सही है। तो इसके बाद इसे सेंड पर क्लिक करते हैं। ये थोड़े बोरिंग नेम्स है, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। तो हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गिव मी मोर यूनिक एंड इंटरेस्टिंग गिव मी मोर यूनिक एंड इंटरेस्टिंग नेम आइडियाज। तो ये लिख दिया है यहाँ पर हमने। ये देखें, यहाँ पर ये थोड़ा मुझे कुछ पसंद है इनमें से दो तीन। एक तो मुझे ये भी मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है, द स्टोरी टाइम गैलेक्सी। तो ये हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन किड्स एनिमेशन स्टोरी किड्स स्टोरीज, ये लिखेंगे। और यहाँ पर चैनल नेम पेस्ट कर देंगे, हेयर्स चैनल नेम। तो यहाँ पर चैनल नेम पेस्ट कर देंगे, उसके बाद सर्च पर सेंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इन्होंने अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक ही है डिस्क्रिप्शन। तो इसे कॉपी करके आपको चैनल में पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम कैनवा पर आ जाते हैं, यहाँ पर लोगो और बैनर जनरेट करने के लिए। तो हम पहले लोगो पर क्लिक करते हैं, लोगो की ब्लैंक टेम्पलेट हमने क्लिक कर ली है और यहाँ पर हम कस्टमाइजेबल लोगो बनाएंगे। तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लोगों के बैकग्राउंड के लिए। उसके बाद हम नेम लिखेंगे, जो आपने नेम लिखना है आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर द स्टोरी टाइम गैलेक्सी लिख लिया है। तो इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसको इफेक्ट्स लगाएंगे ताकि अच्छा लगे ये। उसके बाद इसे थोड़ा सही करेंगे, ये सही है। उसके बाद ब्लैक कर देंगे, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पर। ये देखिए, इसे हम सिलेक्ट करके थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसे एडजस्ट करने के बाद तो हमने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम बैनर साइज पर चले जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यूट्यूब बैनर साइज। तो ये देखिए, ये यूट्यूब बैनर साइज। उसके बाद कैनवा पर जाकर वहाँ पर बैनर साइज ऐड करते हैं कस्टम साइज में, और यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट बना लेते हैं। तो जैसे हमने लोगो बनाया था वैसे ही बैनर भी बनाना है आपको, जस्ट सेपरेट सेपरेट सब कुछ ऐड करना है। ये देखें, द स्टोरी टाइम गैलेक्सी, ये सही है। उसके बाद यहाँ पर इनको इफेक्ट्स लगा देने हैं इन पर, और इस पर येलो इफेक्ट लगाएंगे, यस। और यहाँ पर ब्लैक कर देंगे इसका टैक्स, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लगा देंगे, जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे सही तरह एडजस्ट कर लेंगे सारे को। उसके बाद इसे डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं कैनवा पर, यहाँ पर लिख देंगे राइट किड्स स्टोरीज, यहाँ पर लिख देंगे राइट लव स्टोरी, नहीं लिखना है राइट इमोशनल एंड एनिमेटेड एंड अट्रैक्टिव लिख देते हैं लव स्टोरी। तो ये लिख दिया हमने। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, कितनी अट्रैक्टिव स्क्रिप्ट है। इसे आपको क्या करना होगा, जैसे ये रेडी हो जाए इसे कॉपी कर देंगे आप और नोटपैड में हम पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने पेस्ट कर लिया। उसके बाद इसकी इमेजेस बनाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं राइट 13 प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट इमेजेस फॉर द अबव स्टोरी। तो ये लिख देंगे, हम इसे सर्च कर देंगे। उसके जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ये जस्ट प्रॉम्प्ट लिखने स्टार्ट कर दिए हैं इन्होंने। तो इसे हम कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इसे ये सारा हो गया है। जैसे ये हो जाए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर Leonardo.ai पर, जहाँ पर हम जस्ट इमेजेस जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट अकाउंट यस एंड वाइट लिस्टेड पर क्लिक करते हैं। उसके यहाँ पर AI इमेज जनरेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके ये पेस्ट कर लेना है। कुछ मैंने जनरेट कर ली, ये कुछ रह गई हैं जो आपको बताने की कैसे आपने जनरेट करनी है। तो
तो यहाँ पर आपको रेशियो सिलेक्ट कर लेना है कि कितनी आपको किस तरह की इमेज चाहिए। यहाँ पर ये देखें, ये है, ये भी बहुत अच्छी है, और ये मैंने रेशियो सेकंड सिलेक्ट किया था तो ये मैंने इस तरह की इमेज जनरेट कर ली है। उसके यहाँ पर आप आके ड्रिंग लाइक, यहाँ पर बहुत सारे लियोनार्डो डिफ्यूजन से स्टेबल डिफ्यूजन भी है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इन 3D कार्टून स्टाइल, ये मैंने स्टेबल डिफ्यूजन में आकर यहाँ पर लिख दिया। जनरेट कर लेते हैं एक इमेज, इसको सही कर लेते हैं, फिर से एस्पेक्ट रेशियो, ये देखें यहाँ साइड से आपको सही कर देना है। ठीक, मैंने सही करके फिर से जनरेट कर दी और ये भी सही थे, पर मैं आपको बताती हूँ क्या कौन सी में आपको जाना है, ये बहुत ही बुरी लाइक इतनी अच्छी नहीं बनाई है, तो आप इन स्टेबल डिफ्यूजन में मत जाइएगा। रुके, मैं आपको सेकंड स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 की भी मैं चेक करवाती हूँ इससे कैसी इमेज बनती है। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया है, उसके यहाँ पर फिर से इसको जनरेट पर क्लिक कर दूँगी, ये देखें, तो इसका ये सही नहीं, ये देखें ये सही बिल्कुल भी नहीं जनरेट कर रहे। तो उसके बाद हम 3D स्टाइल पर आ जाएंगे, 3D एनिमेशन स्टाइल पर, उसके बाद इसे कॉपी करके यहाँ पर सारे पेस्ट कर देंगे। ये देखें, ये मैंने थोड़ा लाइक फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ये कितने एचडी और अच्छे किस्म की इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, ये देखिए, ये 3D एनिमेशन स्टाइल पर। और यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट कॉपी करके पेस्ट कर देने हैं, ये जनरेट करवाने के लिए स्टोरीज, और इसे भी कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ये सेव कर देना है, ओके। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी ये एनिमेटेड कैसे करना है आपको, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसे भी कॉपी कर देंगे, ये देखें यहाँ पर हमने इसे डाउनलोड कर लेना है, इसे भी पेस्ट कर देंगे, ओके, इसे फिर से जनरेट कर देंगे बिकॉज ये इतना सही नहीं लग रहा था, तो ये देखें ये कितना अच्छा जनरेट किया है, तो इसे कॉपी कर देंगे हम और इसे भी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये सारे जनरेट हो गए हैं, उसके बाद इसे डाउनलोड कर लेना है आपको। ये हमारा लास्ट वन जनरेट हुआ है, ये देखें ये हमारे जनरेट हो गए हैं, ये बस लास्ट वन है, इसको एक और कर लेते हैं बिकॉज वो मुझे इतना सही नहीं लग रहा था पहला वाला, ये हो गया जनरेट। उसके बाद हम आ जाते हैं Play.hg पर वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप आएंगे, जनरेट AI वॉइस ओवर पर क्लिक करेंगे, साइन अप विद गूगल करेंगे, तो आपको वॉइस ओवर यहाँ से आपको जनरेट करने में, मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूरी स्टोरी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, ये देखें। तो इसके बाद सब पर जैसे ही आपको जौन सी वॉइस अच्छी लगती है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पर बहुत सारी वॉइस हैं, तो इनमें से मुझे ये वाली अच्छी लगी, ये नहीं ये वाली, तो इसको कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी इसको ऑल पैराग्राफ पर कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पैराग्राफ और कंफर्म। तो उसके बाद इन्हें लाइक प्ले के बटन पर करके इन्हें पैराग्राफ को जनरेट करते हैं आप, ताकि इनकी वॉइस ओवर जनरेट हो जाए प्ले पर क्लिक करके, ओके। ये आपको हाफ ऑफ करके दो बार जनरेट करनी होगी, ये मैंने हाफ पहले कर दी और हाफ बाद में कर दूँगी। तो ये देखिए ये हो गए हैं, ये जनरेट होना स्टार्ट हो गई है, ये आप जैसे देख सकते हैं, ये देखें, तो ये सारी जनरेट हो गई हैं, ये देखें हो रही है। और उसके बाद मैं आपको बताते हैं एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं लियोपिक्स पर, जहाँ पर हम इसे एनिमेट करते हैं। यहाँ पर आपको आ जाना है स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें, गेट स्टार्टेड, अपलोड करें अपनी इमेजेस, ओके, ये इमेज अपलोड कर दी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे ये हो जाएगा, ये देखें ये कैसे एनिमेट हो गई है। उसके बाद इसे डाउनलोड कर देना है आपको, ये इसे सेव पर क्लिक करके सेव कर देना है। उसके बाद इसे फ्री वाले वर्जन पर करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस डाउनलोड कर सकें, और इनकी क्वालिटी सेम ही रहती है, इतनी ख़राब नहीं होती है इनकी क्वालिटी। तो ये जैसे डाउनलोड कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी रहती है इनकी क्वालिटी, तो दूसरों को जो पैक में करके मैं कन्वर्ट करके फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल ही सेम क्वालिटी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है इनकी क्वालिटी। तो मैं अब सबकी बारी बारी सबको जनरेट कर लेती हूँ, सेव कर लूँगी सबको, ये देखें। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके सेव कर देनी है ये सारी, यहाँ पर जितने भी थे वो मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर दी मैंने ये वीडियो, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी हो जाए। तो ये मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, इसे भी एक्सपोर्ट कर दिया, इसे भी कर दिया है, ये देखें ये भी ऐड कर दी। उसके बाद ये वाली अपलोड करेंगे, तो ये थोड़ी सी रहती है और ये जल्दी जल्दी हो जाती हैं, इतना टाइम नहीं लेती हैं। तो ये देखें इसे भी डाउन सेव कर दिया। उसके बाद आपको वॉइस ओवर के हिसाब से लगानी होगी ये इमेजेस, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हम फिर आ जाते हैं वीडियो एडिटर में,
यहाँ पर ऐड कर देते हैं, वॉइस ओवर भी ऐड कर देते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ पर वॉइस ओवर के हिसाब से इमेजेस वगैरह लगा देते हैं। तो देखिए नहीं, वॉइस ओवर के हिसाब से मैंने लगा दी है इमेजेस। ओके, मैंने थोड़ा चेक कर दिया, मैं यहाँ पर ये भी लगा दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे कर देंगी। तो ये मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दी, जहाँ पर जो मुझे सही लगेगी मैं वो ऐड कर दूँगी। आपको भी वॉइस ओवर के हिसाब से जो सही लग रही है आपको वो ऐड कर देनी है, ताकि वो समझ आए स्टोरी। तो ये देखें, ये मैंने ऐड कर दी, यहाँ पर ये ऐड की है और यहाँ पर ये ऐड कर दी और यहाँ पर ये। तो उसके बाद आपको जितनी बार जितना लगता है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सारी ऐड्स कर दी हैं, ये देखें इन सबको मैंने एडजस्ट कर दिया यहाँ पर ऐड करके, ताकि लाइक बिल्कुल ही स्टोरी समझ आए कि कैसा है। उसके बाद इन्हें एडजस्ट कर दिया, उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर देंगे हम। Once upon a time, in a quaint little town nestled between rolling hills and a glistening river, there lived two souls whose destinies were inexplicably entwined. Emma and Daniel, they were called, and their love story was a tapestry woven with threads of passion, destiny, and the inexorable pull of the heart. Emma, with her emerald green eyes and cascading auburn hair, was the town's beloved bookstore owner. She had a smile that तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।